वर्क ऑफ आर्टिफिश, ये क्या मतलब हुआ? आर्टिफिश का मतलब क्या हुआ? अरे किसी को चालाकी से चीट कर लेना। हाँ, चालबाजी करने को कहते हैं। अब कहेंगे सर वर्क ऑफ आर्टिफिश कौन और किसके साथ चालाकी करने वाला है, ये आपके और मेरे साथ हर दिन हो रहा है। हाँ, किसी ने अगर आपको एक बात ध्यान दिला दी है, किसी ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है कि तुम कमजोर हो, तुम हमेशा पीछे रहोगे, तुम ताकतवर नहीं बन पाओगे, तुम एक कमजोर व्यक्ति हो, तो शायद एक दिन तुम्हारे मन में आएगा कि तुम अपने आप को ही क्या करोगे, कमजोर मानने लगोगे। क्या ये एक चालबाजी नहीं है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ? नाजी लोगों ने, हाँ हिटलर के लोगों ने क्या किया, ज्यूज लोगों पर सारा इल्जाम थोप दिया, उनको बताया कि ये सुपीरियर, हाँ नाजी सुपीरियर रेस है और ज्यूज इंफीरियर हैं, और ज्यूज पर बेहद अत्याचार किया। इनको एक ऐसे कैंप में रखा जहां इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया ज्यूज लोगों का, जहां उनको सताया गया, तड़पाया गया, बार बार ये बताया गया कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, वे समाज के बहुत बुरे लोग हैं। उन्होंने ही क्या किया, वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी को हराया है, तो ब्रेन वॉश कर दिया। एक चीज क्या कर दी, क्लेवरली उनके दिमाग में भर दी। क्या कहते हैं आज की पोयम कुछ इसी तरीके से है। आप यकीन जानिए आप इस पोयम से एतबार करेंगे, मतलब यू विल रियली बिलीव दैट वॉट एवर इज सेड इन दिस पोयम इज एब्सोल्यूटली रेलिवेंट टिल डेट। हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं ये पोयम आपको लगेगा कि आज की ही जनरेशन में ये भी चल रहा है। तो अ वर्क ऑफ आर्टिफिश इज बाय मार्ज पियर्सी। मार्ज पियर्सी एक अमेरिकन पोएटेस हैं, फेमिनिस्ट हैं, एक प्रोफिलिक एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने खुद ज्यू होने के वजह से और वुमेन होने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत दर्द सहा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन सहा, और तो और इन्होंने सोसाइटी में एक बहुत ही बैड फेज ऑफ लाइफ बियर किया, और उसी अनुभव को उन्होंने इस पोयम में बताया है। तो ये पोयम एक मेटाफर है, ये पोयम एक पेड़ के, यस एक बोंजाई नाम की ट्री, आप इस पेड़ को देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक बहुत खूबसूरत सा ट्री है। याद रखिएगा ये सैपलिंग नहीं है, ये पौधा नहीं है, बल्कि एक फुल ग्रोन ट्री है जिसकी हाइट सिर्फ 9 इंचेस है। हाँ, लगभग इतनी जितना मैं आपको दिखा रहा हूं। 9 इंच आपके जो स्केल है आपके पास रखी ना, सोच लीजिए उसका 9 इंच कितना छोटा होता है। जो पेड़ 80-90 फीट तक ऊंचा जा सकता था, हाँ लगभग 5 मंजिल 6 मंजिल ऊपर तक जाने वाला पेड़, उसको क्या कर दिया गया है, 9 इंच तक सिर्फ क्या किया गया है, उगने की अनुमति दी गई है। ये जैपनीज आर्ट है। हाँ, इसी को मेटाफर बना करके आज की पोयम का इस्तेमाल हुआ है। आइए पहले समझते हैं इस पोयम में क्या क्या मेटाफर हुआ है और मार्जे पियर्सी ने ऐसा क्यों किया है। वुमेन्स को बॉन्साई ट्री की तरह क्या किया गया है, मेटाफरिकली ट्रीट किया गया है, अर्थात वुमेन्स रिप्रेजेंट्स लाइक अ बॉन्साई ट्री इन अ पॉट, कि खूबसूरत से आर्टिस्टिक पॉट में एक वुमेन को, हाँ एक ट्री को रख दिया गया है, वैसे ही वुमेन को घर में, हाँ कैद कर लिया गया है एक डोमेस्टिक प्लेस के अंदर, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ न ग्रो कर पाए। यही है इस पोयम का एक बेसिक अर्थ। अब इस पोयम में बहुत सारे मेटाफर इस्तेमाल हुए हैं, बहुत मेटाफर। अरे भाई, जब आप किसी को कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं तो उसे मेटाफर कहते हैं। जैसे मैं एक मेटाफर बोलता हूं, यू आर अ लॉयन, तो मैंने तुम्हें क्या किया, तुम्हें लॉयन के जैसा बता दिया। हाँ, तो जब आप किसी को किसी से तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो उसे मेटाफर कहते हैं। और तो किस किस का मेटाफर यूज किया गया है, आइए पहले इसको समझ लेंगे तब हम जानेंगे। वैसे एक बात और बता दूं कि इस पोयम में जो डिक्शन इस्तेमाल किया है वो यूज ऑफ गार्डनिंग किया गया है, गार्डनिंग की टेक्निक, क्योंकि बोनसाई एक गार्डनिंग टेक्निक है, तो गार्डनिंग टेक्निक में प्रून वर्ड, ट्रिम वर्ड है ना, तो गार्डनिंग का इस्तेमाल किया है, लैंग्वेज गार्डनिंग का इस्तेमाल है, पर इसका एक गहरा अर्थ है। पूरी पोयम में कहीं कोई राइम स्कीम नहीं है और कोई भी एक लाइन पोयम की ऐसी नहीं है जो 6 वर्ड से बड़ी हो।
कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की जा रही है और 24 लाइंस की ये पोयम है और पोयम को ऐसा लग रहा है कि जैसे पोएटस चाहती है एक फ्लो में अर्जेंटली बता देना कि वो क्या मैसेज डिलीवर करना चाहती है। आइए पहले मेटाफर के बारे में समझेंगे और फिर पोयम की एक एक लाइन को आपको क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस पोयम में क्या क्या कंपैरिजन यूज किए गए हैं इसके लिए मैं आपको लास्ट में ले चलूंगा। आइए तो मेटाफर जो यूज किए गए हैं उसमें गार्डनर का इस्तेमाल किया गया है। ये गार्डनर कौन है? अरे भाई हमारी सोसाइटी ही गार्डनर है। हम पुरुष प्रधान सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को कहते हैं पैट्रियर्चल सोसाइटी जो आज भी है। आज भी लड़कियां लड़कों के बिना घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। आज भी सोसाइटी में मेल ही सोसाइटी के नॉर्म्स बना रहे हैं, नियम रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं और वुमेन्स को उनको फॉलो करना हो रहा है। तो गार्डनर कौन है? हमारा समाज जिसमें पुरुष प्रधान है अर्थात मेल डोमिनेट कर रहे हैं। बॉन्साई ट्री कौन है इस पोयम में? बॉन्साई ट्री वो वुमेन्स हैं जिनको आर्टिस्टिकली डेकोरेट किया गया है और पर्पसली उसको ड्राफ्ट कर दिया गया है अर्थात उनको अपनी फुल पोटेंशियल दिखाने की एबिलिटी नहीं दी जा रही है। ये कौन कर रहा है? ये पैट्रियर्चल सोसाइटी कर रही है। और क्या किया जा रहा है इसमें? विटलिंग एंड प्रीनिंग शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो एक्चुअली ब्रेन वॉशिंग है। हाँ, वुमेन्स का ब्रेन वॉश कर दिया गया है और उन्हें कन्फाइन अर्थात कैद कर लिया गया है। और कहां कैद किया गया है? अपने घरों में। हाँ, उस खूबसूरत घर में कैद कर लिया है जहां उसकी पोटेंशियल को दबा दिया गया है। और क्या किया गया है? पॉट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पॉट क्या है? हाँ, बोन्ज़ाई एक खूबसूरत से पॉट में होता है और पॉट क्या है? एक कन्फाइनमेंट, एक कैद। और हमारे केस में वुमेन के लिए कैद क्या है? उसका घर, क्योंकि जब वो सेफ जोन में रहेगी यह कह करके उसको रखा जाता है कि तुम सुरक्षित हो क्योंकि हम पुरुष तुम्हारे साथ हैं। यह कह करके वुमेन्स को कमजोर बनाया जाता है, यह कह करके वुमेन्स को रात को नहीं निकलने देता है, यह कह करके वुमेन्स को एक ही जगह पर रहने के मजबूर कर देता है जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट या अपनी काबिलियत को पूरी तरह से शो नहीं कर पाती है। और लास्ट क्या वर्ड है? कोजी अट्रैक्टिव पॉट। कोजी मतलब होता है कोई कूल, कोई वार्म, हाँ कूल नहीं, कोई वार्म कंफर्टेबल प्लेस। तो एक तरह का डिसेप्टिवली सेफ डोमेस्टिसिटी अर्थात वुमेन्स को यह यकीन दिलाया जाता है कि आप घर में सेफ हैं, पुरुष होने की वजह से, पुरुष साथ में है आपके, इस वजह से आप सुरक्षित हैं। यह भावना वुमेन्स में भर दी जाती है बचपन से ही। जब वो छोटी होती है उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता है, उसके कपड़ों पर नजर रखी जाती है कि वो क्या पहन रही है, क्यों पहन रही है, नजर रखी जाती है कि अगर वो कहीं बाहर जा रही है तो वो लेट ना आए क्योंकि उसका भाई या उसके पापा या उसका कोई घर का बड़ा पुरुष उसके साथ रहे। क्या दिखाने के लिए? कि औरत कमजोर है। ये उसके दिमाग में भर लिया गया है बचपन से ही। यही इस पोयम का एक गहरा अर्थ है। फेमिनिज्म पे ये पोयम है, बताना चाहती है कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन टिल स्प्लिट बाय द लाइटनिंग। तो पहले ही ये जो पैराग्राफ आप समझ पा रहे होंगे, हाँ पहले ये जो लाइंस है ये क्लियर बता रही है कि एक बॉन्साई ट्री होता है। मैंने बताया ये जैपनीज मेथड ऑफ गार्डनिंग है, जैपनीज टेक्निक है जिसमें एक बड़े पेड़ को क्या किया जाता है, एक पॉट में ग्रो किया जाता है और कुछ इस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है कि ये और हाइट न ले पाए। हाँ, ये अपने हाइट को नहीं छुपाता है, इसको पर्पसली ड्राफ्ट कर दिया जाता है, बौना बना दिया जाता है। हाँ, तो द बॉन्साई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट एक खूबसूरत से पॉट में रखा जाता है, इससे बॉन्साई ट्री का अट्रैक्शन, हाँ ब्यूटी और बढ़ जाता है। और यही बॉन्साई ट्री अगर क्या होता, माउंटेन में अगर ग्रो कर रहा होता ये पेड़ तो करीब 80 फीट टॉल होता। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 फ्लोर की बिल्डिंग जो होती है ना वो 80 फीट टॉल होती है। सोचिए 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग जितना टॉल ये पेड़ होता, अपने फुल पोटेंशियल में अगर होता तो इतना होता। और टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग, और तब तक ये खत्म ना होता, इतनी स्ट्रेंथ होती, इतना हाइट होती इस पेड़ की कि इसे सिर्फ लाइटनिंग ही, सिर्फ बिजली गिरती है पेड़ों पर और वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और तब खत्म होते हैं। तो क्या पोटेंशियल था उसके पास अगर ये पेड़ बाहर रहता तो? पर ऐसा है नहीं। हमने भी वुमेन्स को क्या कर रखा है, इसी तरीके से घरों में कैद कर रखा है। कौन कर रहा है कैद उसे, आइए समझते हैं। तो
बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट। तो यहां गार्डनर कौन है? हमारी सोसाइटी है जहां मेल्स डोमिनेट कर रहे हैं, हम पुरुष प्रधान हैं, यही क्या कर रहे हैं, केयरफुली इन्हें प्र्यून कर रहे हैं। किसको? यहां पर बॉन्जाय को प्र्यून करने की बात कर रहे हैं। प्र्यून करना मतलब होता है ट्रिम करना, हाँ वो चीज जो एक्स्ट्रा पार्ट्स आए हैं उसे कट कर देना, जैसे कि आप इस डायग्राम पे, हाँ इस इमेज पे भी देख पा रहे हैं। ये एक पेड़ है जिसके खूब सारे ब्रांचेस को क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है और छोटा बना दिया गया है, कहते हैं प्र्यून्ड कर दिया है। इस इमेज को देखिए, इस इमेज से इस इमेज तक प्र्यून्ड कर दिया गया। तो यही गार्डनर भी कर रहा है, बॉन्जाय ट्री को क्या कर दे रहा है, कट करके शॉर्ट कर दे रहा है, ड्राफ्ट बना दे रहा है। और यही हम इंसान भी कर रहे हैं, यही मेल लोग भी कर रहे हैं, लड़कियों को क्या कर दे रहे हैं, प्र्यून्ड कर दे रहे हैं। कैसे कट कर रहे हैं? कट कर रहे हैं उन्हें यह जता करके कि वह घर में सेफ हैं, कट कर रहे हैं उनको बाहर जाने से रोक रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इट इज 9 inches हाई। आज ये बॉन्जाय ट्री कितनी रह गई है? सिर्फ 9 inch हाइट, जो कि बहुत ही छोटा होता है, एक डॉल के जितना होता है मुश्किल से। तो ये बॉन्जाय ट्री जो कि 80 फीट हो सकता था, सिर्फ 9 inch का बच गया है। एवरी डे और हर दिन एज ही, यहां ही कौन है? गार्डनर। और गार्डनर कौन है? हमारी सोसाइटी में मेल्स। तो जो मेल्स हैं वो विटल करते हैं। विटल क्या होता है? कट करना विथ नाइफ। आपने देखा होगा कि पेड़ों को जो गार्डनर्स होते हैं ऊपर से कट कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ब्रांचेस और एक्स्ट्रा हाइट उसकी क्या हो जाए, कट हो जाए, एक्स्ट्रा ग्रो ही नहीं करने देते हैं। विटल अगेन मींस कट कर देना। विटल बैक द ब्रांचेस, अगर उसकी ब्रांचेस नहीं ग्रो कर जाती है उसे कट करके, नाइफ से कट करके छोटा कर देते हैं। और साथ में क्या करते हैं? गार्डनर क्रून करता रहता है। क्रून मतलब होता है हम करना। क्या है? क्रून। तो गार्डनर ऐसा क्रून कर रहा है, इतना मेल जो है हमारी सोसाइटी के वो ऐसे रिलैक्स हैं औरतों की पावर्स को छीन कर, उनके पोटेंशियल्स को कम करके, और ऐसा बिलीव कर रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा वो बताना चाहते हैं वुमेन्स को कि दे हैव डन समथिंग गुड, दे हैव डन गुड दैट दे हैव कंट्रोल्ड द ग्रोथ ऑफ द वुमेन्स। वुमेन्स को उनके फुल पोटेंशियल तक नहीं आने दे करके मेन अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनको यकीन दिला रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो मेन क्या है? रिलैक्स्ड हैं, क्रून कर रहे हैं। क्रून मतलब होता है हम करना, सिंग करना लो टोन में, ठीक है। और ये गार्डनर मैंने कहा मेल्स हैं, इट इज योर नेचर। और वो क्या यकीन दिलाना चाहते हैं वुमेन्स को? कि ये उनका नेचर है। वो बार बार ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि औरत हो तो कमजोर हो, लड़की हो तो डर के रहो। ये क्या कर रहे हैं? मेन वुमेन्स को ऐसा यकीन दिला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं वुमेन्स को, इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी। यही बॉन्जाय को भी क्या किया जा रहा है? प्र्यून किया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है, हाँ उसकी ग्रोथ को रोक दी जा रही है ताकि वो नई ब्रांचेस ना कर पाए, वो नई हाइट ना ले पाए, और कट करते करते उसको छोटा ही रहने दिया जा रहा है ताकि उसको याद आ जाए कि वो छोटा ही रहेगा, वो बॉन्जाय ट्री छोटा ही रहेगा, कोजी रहेगा, एक वार्म एंड कंफर्ट जोन में रहेगा पॉट में रहकर। और औरतों को यही याद दिलाया जाता है कि तुम घर में रहो, तुम सुंदर बनी रहो, मैं तुम्हें सुंदरता का सारा सामान दूंगा पर तुम घर के अंदर रहो, तुम कमजोर हो, तुम डोमेस्टिक रहने वाली हो, तुम होमली रहने वाली प्राणी हो, घर के बाहर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ये दिमाग में भर दिया जाता है वुमेन्स के। और तो और उसे ये भी यकीन दिलाया जाता है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि हम पुरुष तुम्हारी सेवा में हैं, हम पुरुष तुम्हारी रक्षा के लिए हैं। हाउ लकी द लिटिल ट्री। और उस ट्री को, बॉन्जाय ट्री को, मैंने कहा था बॉन्जाय ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वुमेन ऑफ द सोसाइटी को। तो वो वुमेन ऑफ द सोसाइटी को महसूस कराया जाता है कि वो बहुत लकी है, वो बहुत खुश नसीब है कि पुरुष हर समय उसके साया बन करके उसके साथ हैं, उसकी रक्षा में उसके साथ हैं। और बॉन्जाय ट्री को क्या यकीन दिलाया जाता है? कि उसके पास एक पॉट है जिसके अंदर वो ग्रो कर सकती है, उसके पास वो सारी सुख सुविधा है जो बॉन्जाय ट्री को चाहिए। वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए और फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है? गार्डनर प्रोवाइड कर रहा है, पर बदले में क्या ले ले रहा है? उसकी आजादी। यही हो रहा है वुमेन्स के साथ, उसे हम घर दे रहे हैं, सुरक्षा का व्यवस्था दे रहे हैं, उसे यकीन दिला रहे हैं कि हम उसे फूडिंग हाउसिंग सब देंगे, बट उसे क्या करना है? उसे कमजोर बन करके डर करके घर के अंदर हर वक्त रहना है, समय के ही हिसाब से बाहर निकलना है।
ये हमने क्या कर दिया है, वुमेन्स के अंदर एक भावना भर दी है, एक मन में भर दिया है उसके कि वह हर वक्त हमारे अधीन रहे। आइए देखें, विथ लिविंग क्रिएचर्स वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली। अर्थात जब हम किसी के मन में कोई फीलिंग भर देना चाहते हैं, किसी के साथ आर्टिफिश करना चाहते हैं, चालबाजी करना चाहते हैं, और स्पेशली किसी लिविंग के साथ करना चाहते हैं, तो आपको उसके बिगनिंग से करना पड़ेगा। इमेजिन करिए कि एक डॉग है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इससे रेलिवेंट है, एक डॉग है, आपने उसको सिखा दिया है हैंडशेक पपी हैंडशेक पपी हैंडशेक पपी हैंडशेक। जानते हैं कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, ये जो छोटा डॉग आपके पास है कुछ दिन बाद आपके साथ क्या करेगा, हैंडशेक बोलने पे आपके साथ हाथ मिलाने लगेगा, आपके हाथ पे अपना पाव रख देगा, अपना पैर रख देगा। क्या हुआ, आपने उसको ट्रेन कर दिया, उसको एक वर्ड दिमाग में बैठा दिया बार 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 कह करके। और यही हम वुमेन्स के साथ भी कर रहे हैं, ये पुरुष सोसाइटी के यही वुमेन्स के साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिगिन वेरी अर्ली टू ड्राफ्ट देयर ग्रोथ, और बचपन से ही लड़कियों की ग्रोथ को छोटा कर दिया। ड्राफ्ट मतलब होता है टू लेसन दी हाइट, किसी को फुल पोटेंशियल तक ना आने देना। हम लोग बोना वर्ड बोलते हैं ना, तो वैसे ही जैसे कि बॉन्साई ट्री है, उसको ग्रो करने ही मत दो, शुरुआत से ही क्या करो, जैसे ही नई पत्तियां निकले, नई डालियां निकले, उसको प्रून कर दो, ट्रिम कर दो, उगेगा ही नहीं, बड़ा हो ही नहीं पाएगा। वही हम गर्ल्स के साथ भी कर रहे हैं, पैदा होने के साथ ही उसके साथ खूब सारे बंधन लगा दिए जा रहे हैं, खूब सारे उसके साथ नियम कानून लगाए जा रहे हैं, जबकि बॉयज पर ये नियम नहीं लगते हैं हमारी सोसाइटी पे। और कुछ एग्जांपल है, जैसे द बाउंड फीट। हाँ, आपको एक चाइनीज कल्चर के बारे में बता दूं, बाउंड फीट में क्या होता है, जो चाइनीज लोग होते हैं ऐसा बिलीव करते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनके पैर छोटे ही अच्छे हैं, ऐसा इनका एक ट्रेडिशनल बिलीफ है। देखिए नॉर्मल पैर हमारे ऐसे होते हैं, हमारे जो नॉर्मल फीट होते हैं ऐसे होते हैं, पर चाइनीज गर्ल को देखो क्या कर दिया जाता है, उनकी फीट को ऐसे क्रिपल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, ताकि उनके पैर आगे ग्रो न। ऐसा क्यों, ये उनका एक ट्रेडिशनल बिलीफ है कि गर्ल्स विद अ स्मॉल फीट आर ब्यूटीफुल। ऐसा एक क्या है, एक सिर्फ क्या है, एक उनका थॉट है, ऐसा सोच है, एस्थेटिक ब्यूटी लाने के लिए गर्ल्स को क्या होने चाहिए, पैर छोटे होने चाहिए। और जब उनके पैर नॉर्मल साइज के होते हैं, उन्हें मार करके क्या कर दिया जाता है, उनकी उंगलियों को तोड़ दिया जाता है। सच कह रहा हूं, गर्ल्स की उंगलियों की, पैर की उंगलियों को मार करके तोड़ दिया जाता है, पेरेंट्स ही उसको तोड़ देते हैं और उसको बांध देते हैं, एक बड़े से टाइट से क्लॉथ से पैर की फीट की उंगलियों को बांध कर, तोड़ कर कर बांध कर मोड़ देते हैं, ताकि वो फर्दर ग्रो ना हो सके और लड़कियां सुंदर दिखें और उसे अच्छा पति मिल जाए। देखिए कितनी जुल्म करने वाली, कितना अत्याचार करने वाली लड़कियों पर ये प्रथा है, ये चाइनीज ट्रेडिशन है, द बाउंड फीट, समझ गए ना। तो हमने बचपन से ही लड़कियों को सुंदर बनना सिखाया, ब्यूटीफुल बनना सिखाया, बताया कि तुम सुंदर बनो, तुम अपनी सारी एनर्जी कहां लगा दो, अपने ब्यूटिफिकेशन में लगा दो, हाँ अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने पे मत लगाओ, बाहर मत निकलो, मेन से क्वेश्चन मत करो, बल्कि अपना सारा दिमाग अपनी सुंदरता में लगा दो, अपना सारा दिमाग डॉल बनने में लगा दो, ब्यूटिफिकेशन में लगा दो। सो द बाउंड फीट इसी को सिंबलाइज करता है। और क्या करते हैं हम लोग वुमेन्स के दिमाग को क्रिपल कर दिए हैं, क्रिपल मतलब होता है अपाहिज कर देना, क्योंकि उसकी सोच हमने क्या कर दी है, डाइवर्ट कर दी, वी हैव The men have diverted the thoughts of the woman. उनके thoughts को कहां लगा दिया है, सिर्फ अपने beautification में, और उनको भी यकीन दिला दिया गया है, they have been proved कि they are safer with their men counterpart. ये यकीन दिला दिया गया औरतों को, तो brain क्या हो गया, उनका impaired हो गया है, नए और better और हायर थॉट्स लाने के लिए उनके पास अब ब्रेन बचा नहीं है, वो सिर्फ अपना सारा टाइम एंड एनर्जी सिर्फ अपने ब्यूटिफिकेशन में लगा रही है। तो दिमाग को क्रिपल कर दिया गया है, कमजोर कर दिया गया है, अपाहिज कर दिया गया है। द हेयर इन दी कर्लर्स, देखिए एक लड़की को देखिए क्या पहन रखा है उसने, कर्लर्स पहन रखा है। कर्लर्स क्या होते हैं, अक्सर आप देखेंगे पार्लर में गर्ल्स अपनी बाल को कर्ल कराती है ना, राउंड राउंड से करा लेती है, इसके लिए एक ऐसा डिवाइस लगता है, इसे कहते हैं कर्लर्स। तो क्या दिया गया है, लड़कियों को कर्लर्स दे दिए गए हैं, ताकि वो क्या करें, अपना टाइम एंड एनर्जी इन्हीं सब चीजों में स्पेंड करें। द हैंड यू लव टू टच, द हैंड यू लव टू टच, इस लाइन में
जो पोएटस हैं वो वार्निंग दे रही हैं किसको, गार्डनर को, कि गार्डनर ने, जिसने इस वुमेन को क्रिएट किया, जिससे वो प्यार करता है, पर उसी को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो वार्न करना चाहती हैं, वो केयरफुली बताना चाहती हैं कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द राइट वे, कि उसने जिस वुमेन को बनाया, जिसको उसने अथॉरिटी देनी चाहिए थी, जिसको लिबर्टी देनी चाहिए थी, उसको उसने क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया है। हाँ, तो यही इस पोएम का एक गहरा अर्थ है। फेमिनिज्म इज द मेन मोटिव, है ना, ये बताने के लिए कि द वुमेन हैज बीन डोमिनेटेड बाय द मेल काउंटर पार्ट। तो थैंक यू, आई एम वेरी श्योर कि ये पोएम समझ में आ गई होगी। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पोएम समझ में आ गई है तो प्लीज इसको अपने पास मत रखिएगा, सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।